ओ भाई आगे देखो, ओए ओए वॉच इट ब्रो, टेरिबल हेड इंजरी आई गेस। या देयर यू गो, ओह नो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसी है पब्लिक? तो गाइस आज हम लोग आए हैं ईस्ट कोस्ट पार्क। हम लोग का एक काफी एक्साइटिंग और कॉमन लोकेशन है जहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट वीकेंड आने की कोशिश करते हैं। तो आइडिया ये है कि यहाँ पे नील और निया को इधर पानी में बीच पे सैंड कैसल बनाना है, तो दैट इज़ व्हाट दे वांट टू डू। और मैं और नील क्या करने वाले हैं, हम लोग एक साइकिल रेंटल लेने वाले हैं यहाँ से, और साइकिल रेंटल लेके सीधा पार्क कनेक्टर पकड़ के, ये जो पार्क कनेक्टर दिख रहा है आपको, तो ये पार्क कनेक्टर पकड़ के सीधा हम लोग जाएंगे मरीना बे सैंड होटल। तो यहाँ से सीधा मरीना बे सैंड होटल सिटी एरिया में जा सकते हैं पार्क के ऊपर से, पार्क कनेक्टर के ऊपर से। रास्ते पे जाने का ज़रूरत नहीं है, तो प्लान यही है। तो अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा ये बच्चे लोग को इधर प्लेग्राउंड में खिलाते हैं, पीछे उन लोग खेलेंगे इधर प्लेग्राउंड में, आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो और फिर हम लोग जाएंगे साइकिल रेंटल लेने के लिए। तो गाइज लेट्स कंटिन्यू विद आवर दिस वीकेंड प्लान। अभी संडे है आज और बजे है शाम के 4:30। ये शोमी, इलू शोमी, व्हाट इज दैट? Nia, nice one. Nilu, look up. Nia, look here. Nia, Nia, look here. Go up, Nia, take him. Nia, take him. Take him. Okay, you swing. Ah, like that. Yes. Nili, you hold it there. No, you have to do it. Yes. Nina, look here. Nina, look here. Nilu, look here. You want to sit? Come. You okay? Okay. Nilu, look here. Hold, okay, hold somewhere. Nilu, Nia.
go 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 you can go yeah yeah very good go keep it up faster faster go don't look down go up faster they're waiting for you faster go 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 sorry thank you go 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 Nilu faster you stay down run run you will not fall down can help me please thank you okay slowly slowly come Okay, wait now. Come. Come down. Mama, go walk, walk. Walk, Nilu. No. Come, Nilu. Nilu, walk faster. Nothing will happen. Look here. Yeah, look. Nothing will happen, Babu. Come, play. Faster, faster, come. Nilu, come. Nilu. No crab. Mau here don't have. Nilu, smile, Babu. You want to play, right? Walk, walk, Nilu, walk. Nilu, look here. Nilu, look up no both of you. Smile, smile. Go in, go in. Go in little bit. Nothing will happen. I'm here. Walk Nilu, little bit. Forward, forward, little bit. Babu, I'm here. Don't worry. Take, go inside. Nilu, look here. Nilu, look here, up. Nilu, look up, laugh. Look up, look up, look up. Nice. Okay, touch the water little bit. Wow. Don't put in the mouth. Touch the water. Touch the water. Touch the water. Don't put in the mouth. Touch the water. Yes, touch. Yeah. Okay, give me. Hey, you're taking all soil. See, you spoil it. Go take. Woo!
नीलू स्लोली स्लोली मेक द माउंटेन. वेरी गुड नीलू. Look up. Yeah, you have to come forward. Little bit forward. Correct. Wait. Nia, wait. Nia cannot get wet. हम लोग अभी एरिया सी में हैं
अभी यहाँ से हम लोग को साइकिल रेंटल का स्टोर देखना है या साइकिल रेंटल स्टेशन देखना है। एक यहाँ पे कहीं पे तो है C4, तो चलो चलते हैं। ये फर्स्ट एड पोस्ट भी है यहाँ पे, अगर किसी को कुछ हो जाता है तो यहाँ पे बेसिक फर्स्ट एड अभी मिल जाएगा। क्या मस्त साइकिल्स है यहाँ पे, ये फैमिली के लिए है, आई थिंक 4 लोग बैठ सकते हैं, और एक ये है फैमिली के लिए जिसमें सारे लोग बैठ सकते हैं, बच्चे और बड़े। वहाँ पे सामने लोग बारबेक्यू भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे बारबेक्यू पिट्स है। हम लोग आ गए ये साइकिलिंग स्टेशन पे, तो चलो देखते हैं, साइकिल लेते हैं। तो गाइज ये सब साइकिलिंग ऑप्शंस है यहाँ पे, तो माउंटेन बाइक्स है और फिर बच्चों लोग के लिए भी यहाँ पे बाइक्स है जो आप रेंट ले सकते हो। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे पंजाब के बंदे ये स्टेशन ऑपरेट कर रहे हैं। हे इंडियन। सब प्राइसिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है वीकेंड में और पब्लिक हॉलीडे में, तो ये आप देख सकते हो। अपने लिए 2 बाइक चाहिए, माउंटेन बाइक। गाइज अपनी 2 बाइक अभी रेंटल हो गई है, ये माउंटेन बाइक ली है मैंने, तो ये रेड हेलमेट वाली न्यू की है और ये ब्लैक वाली मेरी है। तो गाइज इन लोग हेलमेट्स वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं करते, तो आप अपना खुद हेलमेट ले आना। तो हमारे केस में मेरा ये ब्लैक वाला मेरा खुद का हेलमेट है और ये वाला न्यू का हेलमेट है, ठीक है। सो अभी नीव क्यू में खड़ा है रेंटल का पेमेंट करने के लिए, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे साइकिल लेके। ये तो गाइज ये प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन है, डिपॉजिट $50 कैश और एनी मेंबरशिप कार्ड लाइक सैफरा, इकिया, NTUC। तो देखते हैं, हम लोग के पास कैश तो हम लोग कैरी नहीं कर रहे, कार्ड लेते हैं क्या। गाइज जैसे मैंने बोला था कि शायद कैश ही लेते हैं, तो दैट्स नॉट ट्रू। तो इन्होंने डेबिट कार्ड भी ले लिया जो नेट्स बोलते हैं यहाँ पे, तो नेट्स से पेमेंट मैंने कर दिया है डिपॉज़िट, और कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये नंबर पे कॉल करने के लिए भी बोला है। तो मैंने 2 आवर का लिया था बुकिंग, तो 2 आवर्स के साथ में 1 घंटा और एक्स्ट्रा हमें फ्री मिला है। नीव आर यू रेडी? ओके लेट्स गो ब्रो। गाइज अभी ऐसी कॉमेडी हुई है कि मैंने ऑलमोस्ट 10 मिनट साइकिलिंग का फुटेज रिकॉर्ड किया है, लेकिन मेरे GoPro के लेंस पे कवर लगा हुआ था उलान जी का, वो मैं निकालना भूल गया था। सॉलिड सीन हो गया। तो चलो गाइस अपन ने अभी साइकिल ले ली है, लेके 10 मिनट हो गया, लेकिन रिकॉर्डिंग का तो इशू है, तो फिर से शुरुआत करते हैं। और यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं ECP से, और प्लान यह है कि ECP बीच से हम लोग जाने वाले हैं मरीना बे सैंड जो सिटी में है। तो गाइज ऐसा है कि ये ईस्ट कोस्ट पार्क है या ECP बीच एरिया जिसको बोलते हैं, ये काफ़ी वंडरफुल स्पेस है, क्योंकि यहाँ पे आपको बच्चे लोग को चिल्ड्रन, यहाँ पे चिल्ड्रंस प्लेइंग एरिया है, फिर आप आके रिलैक्स कर सकते हो। और वो जो सामने टेंट दिख रहा है, तो यहाँ पे NPARK के वेबसाइट पे जाके, नेशनल पार्क्स के वेबसाइट पे जाके आप टेंट का परमिशन ले सकते हो कैंपिंग के लिए, और फिर यहाँ पे आके आप कैंपिंग कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बारबेक्यू करने भी आता है, तो बारबेक्यू कर सकते हो। फिर ये सामने जेटी है, तो वो जेटी पे आके काफ़ी लोग अपना टाइम बिताते हैं फ़िशिंग करने में,
तो यू कैन डू फिशिंग हियर एज वेल। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पूरा 12 से 13 किलोमीटर का बीच का स्ट्रेच है, तो बड़ा है, लंबा है, तो स्केटर्स के लिए और साइकिलिंग करने के लिए एक ज़बरदस्त एरिया है। इसको हेवन बोलते हैं साइकिलिंग स्केटिंग के लिए। और अभी हम लोग ने क्या किया है, वैंडी नील और निया के साथ में वहाँ पे चिल्ड्रंस प्ले एरिया में खेल रहे, वहाँ से फिर उन लोग बीच पे जाके सैंड कैसल्स बनाने का प्लान था, वही उन लोग करेंगे शायद। और मैं और नीव हम लोग यहाँ पे साइकिल लेके निकल पड़े हैं सिटी में जाने के लिए। तो जहाँ हम लोग जा रहे हैं मरीना बे सैंड, आइकॉनिक होटल है सिंगापुर का, जिस जैसे उसके 3 टावर है होटल के, और वो टावर के ऊपर ऐसा शीप जैसा एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर स्विमिंग पूल वगैरह बनाया है। काफ़ी सही जगह है वो। अभी हम लोग ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है उसको कवर करके आगे निकले। यहाँ से एक ब्रिज आएगा, वो ब्रिज लेके फिर मरीना बे एरिया में चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमें लगेगा मरीना बराज, वो एक और इंटरेस्टिंग जगह है। मतलब जैसे हिल होती है ना इंडिया में, वैसे हिल जैसा वो एरिया है, और उसके ऊपर आप जाके पतंग भी उड़ा सकते हो। उसकी तंगड़ी को क्या हो गया, अरे फुल दारू पी हुई है, फुल फायर है वो लड़की। हाँ What? Wear it in the front then. अभी बंदी देखी मैंने पीछे, इंडियन बंदे के साथ में थी, फिलिपिनो, फुल पी हुई थी। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे पब्लिक सिर्फ साइकिलिंग स्केटिंग कैंपिंग या बारबेक्यू के लिए नहीं आती है, ऐसा पास टाइम के लिए भी आती है। अभी मैंने और एक पीछे देखा था, एक ग्रुप ऑफ पीपल ब्लैक लेबल की बोतल लेके बैठे थे। क्या नज़ारा है यार गाइस, ये प्लांटेशन देख रहे हो आप, क्रिसमस ट्री क्या लगता है, क्या पता नहीं क्या है। स्केटिंग कर रही है बंदी, एक ग्रुप है लगता है स्केटर्स का। तो गाइज मैं यूजुअली रोड बाइक चलाता हूँ, मेरे पास घर पे रोड बाइक है जिसको इंडिया में रेसर बाइक भी बोलते हैं। ये और एक बाइक का स्टोर है यहाँ पे रेंटल के लिए। तो माउंटेन बाइक मैं वैसे ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, लेकिन ये रेंटल बाइक का कंडीशन इतना ख़ास नहीं लग रहा है मुझे। क्योंकि इसका गियर इतने अच्छे से ऑपरेट नहीं हो रहा है। और अभी ब्रिज पे जा रहे हैं, हाँ स्विच हो गया,
अभी स्विच हुआ थोड़ा। लेकिन फट रही है। आ थक गया यार, इसका गियर अच्छा नहीं चल रहा है। गाइस थक गया। कैन यू गिव मी वाटर? या मैन, गाइस थक गया मैं तो। रोड बाइक और माउंटेन बाइक में काफ़ी फ़र्क होता है। और ये बाइक का गियर स्विच नहीं हो रहा अच्छे से। हे नी, व्हाट हैपेंड? द गियर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। व्हाट डू यू मीन? इट डजंट चेंज वेल। एंड योर सीट? द सीट कीप्स ऑन गोइंग डाउन। इट्स शेकिंग आल्सो, इज इट? या। ओह शिट। इवन दो इट्स पुश्ड ऑल द वे। ओह, आई थिंक वी डिडंट चेक द बाइक्स प्रॉपर्ली। तो गाइज अभी थोड़ा लोचा हो गया है। नीव के बाइक का गियर भी स्विच नहीं हो रहा है, एकदम हाई गियर पे है, तो उसको चलाने में इशू आ रहा है। और उसका सीट भी एकदम नीचे जा रहा बार बार। तो हम लोग ने शायद ये चेक नहीं किया, बट जो भी है, हम लोग ऑलमोस्ट हाफ वे से आगे आ गए थे। वो सामने आपको टावर दिख रहा है, वहीं पर है मरीना बे सैंड, उससे भी नज़दीक है। लेकिन साइकिल्स की ऐसी कंडीशन में इट्स नॉट सेफ, और न्यू को काफ़ी एफर्ट भी डालना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करें, यहीं से अभी वापस पार्क में जा रहे हैं, ACP पार्क में, जहाँ पे वैंडी, नील और निया है। तो चलो गाइस, कोई और दिन अपनी खुद की बाइक्स पे मरीना बे सैंड कवर करेंगे। लेट्स गो नीव। But like, you guys have Allen keys? No. Don't have. Okay. Even his seat is spoiled, but we can't do anything. This is a rental one. Oh, there's a bike rental. Oh yeah, yeah, we're checking. Yeah, okay, thank you. I've never seen a bike where the left one is automatic. So yeah. Okay, go, go. Watch behind. Okay guys, unfortunately bikes की condition इतनी ठीक है नहीं, तो हम लोग अभी वापस जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 65% एरिया कवर कर चुके थे, थोड़ा और 15 मिनट आगे जाते तो मरीना बे सैंड आ जाता। लेकिन कोई नहीं, सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि मैं तो निकल जाऊंगा, थोड़े थकान हो रही है, मैं तो आगे निकल जा सकता हूं, लेकिन न्यू का अगर साइकिल में इशू आ गया तो वो फंस जाएगा। ये देखो, मेरे साइकिल का गियर अच्छे से स्विच हो रहा है, न्यू का इशू है। और ये हम लोग ने सेम बाइक स्टेशन से नहीं ली है साइकिल, तो आई डोंट थिंक सो दे विल एंटरटेन अस हियर। अगर अनलेस सेम कंपनी के अंडरटेकिंग में होगा तो अलग बात है। केयरफुल डूड,
गाइज आज वेदर बहुत सही है। यूजुअली 5:30 बजे भी काफ़ी हॉट सन होता है, यहाँ पे धूप होती है, और उसके अलावा यहाँ पे प्लांटेशन काफ़ी ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी शेडो आती है, बट ओवरऑल आप बाहर भी देखोगे तो धूप नहीं है आज। एक्चुअली बेस्ट टाइम है लॉन्ग राइड के लिए। भाई ये कुत्ता कितना बड़ा है यार, हस्की है क्या? वाह, लायन की तरह लग रहा था। नीव, डिड यू सी दैट डॉग? सो बिग राइट? सिंगापुर में क्या है, आपको अगर बड़े कुत्ते लेने होते हैं देन यू हैव टू स्टे इन अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। मेरा कहने का मतलब है जो सिंगापुर गवर्नमेंट की हाउसिंग स्कीम होती है, अपार्टमेंट जो होता है उसमें एक साइज़ के ऊपर के डॉग्स अलाउड नहीं है, तो आपको कॉन्डोमिनियम्स में रहना चाहिए अगर बड़े बिग डॉग्स लेने हैं तो। ये मेरे को साइकिल बहुत पसंद आई यार, फैमिली साइकिल है जिसमें आप आराम से 4 लोग बैठ के फैमिली राइड का मज़ा ले सकते हो। राइट गाइस, ये फोल्डेबल साइकिल भी मस्त होती है, एकदम कन्वीनियंट है। आप इसको मेट्रो के अंदर भी फोल्ड करके लेके जा सकते हो। और टर्न मत मारना, यह है अपनी फोर व्हीलर बाइक राइड। मेरे बाइक के गियर का इतना साउंड घर है, मेरे बाइक के गियर का इतना साउंड आ रहा है आपको वीडियो में भी सुनाई देगा। स्केटर्स, ओए, बाइक में ब्रेक नहीं है। अभी गाइस थोड़ी देर में अंधेरा होएगा। एक्चुअली अपन ने 2 घंटे का रेंटल लिया था, उसके साथ 1 घंटा फ्री आया। मैंने सोचा 2 घंटे में 90 मिनट्स में आ जा सकते हैं ECP से मरीना बे सैंड सिटी में, लेकिन साइकिल के इश्यूज के वजह से हम लोग 1 घंटे में वापस साइकिलिंग स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। ओ बर्थडे पार्टी हो गई है वहाँ पे। ये बच्चा कितना फास्ट चला रहा है।
ओ पापा जी, भाई बीच में मत आ जाइयो। फैमिली के लिए बहुत सही जगह है, एकदम चिलैक्स करने के लिए। आप अपना स्नैक्स लेके आओ, एक फ्लोर मैट भी लेके आना मत भूलना। फ्लोर मैट डालो नीचे वहाँ पे बीच के सामने सैंड के ऊपर और बैठ जाओ आराम से। चल भाई, और अपने इंडियन दोस्त लोग, भाई लोग वॉलीबॉल खेल रहे, बीच वॉलीबॉल। अरे मुर्गा कहाँ से आ गया? पक 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 पक। नीव, आर यू बिहाइंड? ओके, you shouldn't overtake from left bro. Oh, patang leke ja rahi hai ladki, patang udao, patang udao. Are kahan gayi? Are you okay? Mujhe laga jaake pole mein takrayegi. Parkland Green. A TikTok team. Go 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 go. अंकल भाई, यहाँ पे मस्त बारबेक्यू की स्मेल आ रही है। कोई तो आजू बाजू पेट पे बारबेक्यू चढ़ रहा है। हाँ, ये सामने पूरी बड़ी मंडली बैठी है। ये देखो, फुल ऑन पार्टी चालू है, बारबेक्यू बना रहे हैं इन लोग। Yes. Okay. If it's difficult, the gear not working, try changing the left side one. Yeah, yeah, yeah. और एक बारबेक्यू पार्टी, फुल कोल का धुआं निकल रहा है। ओ बच्चे लोग को पीछे बिठा के, मस्त है यार उसका, जो भी बकेट क्या बोलते हैं, मिनी स्ट्रोला, साइकिलिंग स्ट्रोला। ओ भाई आगे देखो, ओए ओए, वॉच इट ब्रो, इधर हमारी साइकिल में घंटी भी नहीं बज रही है। से कॉमेडी बंदे लोग होते हैं, लेफ्ट में देख रहा है, राइट में देख ही नहीं रहा, क्रॉस कर रहा है रास्ता, क्या बोलने का कांड हो गया था। अभी नसीब साइकिल का ब्रेक तो चल रहा है।
अच्छा यहीं पे हम लोग ने वैंडी और बच्चों लोग को छोड़ा था। या मैन ऑलमोस्ट डैश हिम एक्चुअली बिकॉज द बेल इज नॉट वर्किंग ब्रो योर गियर साउंड इज टेरिबल। Is that a bag? Holy cow! Bags ramp are too low. Okay, let's go and return the bikes. Yeah. ये children play area में वैंडी रुकी थी और पता नहीं शायद बीच पे होंगे। फुल ट्रैफिक हो गया है इधर। ये बंदे का मस्त एब्स है यार ब्रो। डोंट स्टॉप लाइक दैट, डोंट स्टॉप गाइस गाइस कैरी। ये पार्क में लेकिन यही इशू है। डिड यू सी द किड? एवरीबडी हैड टू स्टॉप। ओ क्रैश्ड क्रैश्ड व्हाट हैपेंड देयर? वॉच आउट गो ऑन द राइट गो ऑन द राइट। What they are doing? Oh, crash! I think. Oh, something got someone got injured. Someone got injured. There is a ambulance. No, it's a child. It's a child? Yeah, I think so. There is ambulance as well. Oh no! Head injuries. Terrible head injury, I guess. Yeah, there you go. Oh no. Very bad. Guys, यही बता रहा था मैं, यहाँ पे अगर बच्चे लोग वगैरह होते हैं ना, got to be careful when you're riding. Although मैंने कहा था कि साइकिलिंग और स्केटिंग के लिए हेवन है, बट काफ़ी एमेच्योर काफ़ी नए बाइकर्स भी यहाँ पे होते हैं, तो इट इज़ एडवाइजेबल टू राइड सेफली स्लोली। चलो गाइज अपने बाइकिंग स्टेशन पे आ गए, अपनी बाइक रिटर्न कर देते हैं। हाउ टू बी केयरफुल हियर। You saw the kid? Oh, that was very bad. I think bad head injury lah. Very bad head injury. His whole head was plastered. Yeah. Serious, bro. And it's a young child. Let's just return. Come on. Okay. Come on, Gali. You go. तो गाइज आज का ओवरऑल साइकिलिंग एक्सपीरियंस इतना ख़ास नहीं था, क्योंकि पहले तो हमने साइकिल अच्छे से चेक नहीं की। तो जब साइकिल लेके हम लोग आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर चुके थे, तब मालूम पड़ा कि नीव के साइकिल की सीट में प्रॉब्लम है,
सीट शेक कर रही थी पूरी, और उसके गियर भी नहीं चल रहे थे, एक ही गियर में साइकिल अटक गई थी। तो हम लोग आधे से ज़्यादा रास्ता कवर करने के बाद वापस आ गए, सिटी में नहीं गए, मरीना बे सैंड होटल के पास। तो अभी हम लोग वापस आके दोनों भी साइकिल्स रिटर्न कर दिए है, अभी हम लोग वापस आके साइकिल्स रिटर्न कर चुके हैं, और फिर अभी हम लोग जा रहे हैं नीव, अभी हम लोग जा रहे हैं वैंडी के पास, जो नील और निया के साथ यहीं कहीं पे बीच पे हम लोग खेल रहे रहेंगे। तो और एक गाइस, आप वीडियो में देखोगे ही कि यहाँ पे ज़्यादा पब्लिक होने से और काफ़ी अमेच्योर बाइकर्स भी होते हैं, बच्चे लोग भी होते हैं, तो एक्सीडेंट होने का काफ़ी चांस है। तो अभी एक छोटे बच्चे का काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, उसके सर पे पूरा प्लास्टर किया होता, बैंडेज लगाई हुई थी पूरा फेस पे भी, और एम्बुलेंस ऑपरेटर उसको एम्बुलेंस में डाल के ले गए। तो गाइस, साइकिलिंग और ऐसे पार्क एरिया में जहाँ पे क्राउड ज़्यादा हो तो वी हैव टू बी केयरफुल। चलो गाइस, चलते हैं बच्चे लोग के पास। ये वेडिंग फोटो शूट भी यहाँ पे हो रही है। और ये है यहाँ की प्राइवेट जिम। तो ये एक्चुअली पोर्टेबल जिम है, जिसके अंदर आप एक्सेस करके जा सकते हो और वर्कआउट भी कर सकते हो। ये गाइस पतंग उड़ा रही है, देखो कितनी बड़ी पतंग है। Yeah, that's a big kite. That's for Dadu, mom. We're gonna go eat at home. I buy McDonald's at home. Papa, can you buy a gumita? Now it's a snack. It's a paper stone. Got you. Now, my turn. It's a paper stone. Got you. Papa, is it that one? Go, 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 welcome. 8604.